हमारे मजलिस के तमाम जिम्मेदारान, हमारे मजलिस को चाहने वाले जितने भी कार्यकर्ता आज सुबह से ही सड़कों के ऊपर निकल पड़े थे, उसके पीछे का मकसद ये था कि हम मराठवाड़ा के और औरंगाबाद के विकास के बारे में मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद अदा करना चाह रहे थे। वो इसलिए कि पिछले 30-35 सालों से लगातार शिवसेना भाजपा सत्ता में रही है औरंगाबाद में, और मराठवाड़ा को अपना गढ़ कहते थे। हमें ये एहसास हुआ कि महज साल में एक मर्तबा 17 सितंबर को आना, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके के ऊपर सजावट करना, झंडा चढ़ाना, एक भाषण देना और चले जाना, इसके अलावा मराठवाड़ा के लिए क्या किए हैं, हम ये सवाल जब उठा रहे हैं तो इन्होंने, शिवसेना ने एक पुस्तक निकाली है सुपर संभाजी नगर नाम से, और उस पुस्तक के अंदर ये बताया है कि हमने कितना विकास किए हैं। उन्होंने ये बताया है कि हमने 14 कर्तृत्ववान महापौर इस शहर को दिए है करके। तो हमारा ये कहना है कि अगर उनके कर्तृत्ववान 14 महापौर औरंगाबाद को मिले हैं, तो हम मुख्यमंत्री साहब का शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहते हैं कि आज औरंगाबाद शहर के अंदर हर रोज़ पानी मिलता है। कई इलाके तो ऐसे हैं कि जहां पर दिन में 2-2 टाइम पानी आ रहा है, कई इलाके ऐसे हैं कि जहां पर गंदा पानी दिखता ही नहीं है, इसके अंदर बहुत चकाचक सब साफ पानी आता है। पूरे शहर की सड़कें चकाचक कर दी गई है, गलियों के अंदर कहीं पर भी आपको खड्डे नज़र नहीं आते हैं, रोड पे कहीं खड्डे नज़र नहीं आते हैं। यहाँ पर शेतकरियों का जो प्रश्न है, यहाँ पर जो नौजवानों की बेरोज़गारी का मामला है, यहाँ पर जो एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आई थी जिससे मराठवाड़ा के नौजवान लड़कों को बहुत फ़ायदा मिला होता, वो यूनिवर्सिटी पूना चली गई, हम उसका भी शुक्रिया अदा करना चाह रहे थे। तो इन मुद्दों को लेकर जो बातें वो खुद कह रहे हैं कि ये हमने सब किए हैं करके, अगर आप दावा कर रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है एक खासदार की हैसियत से कि हम मुख्यमंत्री साहब, जो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, उनका शुक्रिया अदा करना। और उसके तहत हमने आज सुबह एयरपोर्ट से लेकर सिद्धार्थ गार्डन तक, जहां पर ये मुक्ति संग्राम का कार्यक्रम होना था, वहां पर हमने मुख्यमंत्री साहब के स्वागत के पोस्टर्स लेकर खड़े थे। कई जगह के ऊपर हमने फूलों से उनका स्वागत किया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें और सबको ये मालूम था कि ये जो हम स्वागत कर रहे हैं ये एक तरीके का तंज है, वो खुद जानते हैं। इसीलिए उनके तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, क्योंकि ये भी जानते हैं कि हमने तो कुछ काम किए ही नहीं है, हम तो सिर्फ पुस्तक लेकर जिस तरह से पिछले 25-30 सालों से जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अब हम इस पुस्तक के ज़रिए हैं तो जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे, हमने ये मांग रखी है। मुझे खुशी इस बात की है कि अभी ज़िला परिषद के कार्यक्रम के अंदर मैंने मुख्यमंत्री साहब से बात किया कि साहब, जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी औरंगाबाद को मिली है वो मराठवाड़ा के हमारे युवकों के लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है, उसको आप पूना लेकर चले गए हैं। मुख्यमंत्री साहब ने मुझसे कहा कि आप बम्बई आइए, आप बम्बई में आके हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, और इस मीटिंग के अंदर हम ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दोबारा औरंगाबाद को कैसे मिल सकती है ये है करके। तो हम जाएंगे, बम्बई जाएंगे, और मराठवाड़ा के युवकों की जो भावना है वो भावनाओं को हम मुख्यमंत्री साहब के पास तक पहुंचाएंगे कि जिसको आप गढ़ कहते थे, उस गढ़ के अंदर अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उस काम को आप अमल करिएगा। इस बार तो हमने तंजिया तौर के ऊपर उनको फूलों से उनका स्वागत किया है, अगर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिल जाती है तब हम उनके कदमों के अंदर पूरे फूल बिछा देंगे उसमें, अगर मराठवाड़ा को यहाँ पर आएंगे और हकीकी तौर पर उनका स्वागत करेंगे। सर, मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि हमने विकास बहुत करे, विरोध करने वालों को दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, अगर वो करे है तो मैं खुद चाह रहा हूँ कि उन्होंने बताए कि मराठवाड़ा के लिए क्या क्या किया गया है करके। देखिए, मैं आपको आंकड़े समेत बताता हूँ कि मराठवाड़ा से जो पैसा इकट्ठा होता है वो 6,000 करोड़ रुपया मराठवाड़ा से सरकार के पास जाता है, 6,000 करोड़ रुपया। उसमें से वापस मराठवाड़ा को कितना मिलता है तो 663 करोड़ रुपये। 6,000 करोड़ आप यहाँ से लेके जाते हैं और वापस हमको देते हैं 600 करोड़, यानी कि 10% पैसा हमको वापस मिलता है। औरंगाबाद का अगर बैकलॉग अगर हम देखेंगे तो 30,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का है। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि झंडा चढ़ाने के बाद जो भाषण दे रहे हैं मुख्यमंत्री साहब ने, कम से कम ये घोषणा कर दे कि हम ये अनुशेष भरने के लिए
हम पहला पैकेज के तौर के ऊपर मराठवाड़ा को हम 5,000 करोड़ रुपए की घोषणा करते हैं, तो आपने क्या कहा, हम विकास कर रहे हैं। हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं ना कि आप कौन से चश्मे से देख रहे हैं कि आपको पूरा विकास दिख रहा है, और हम कौन से चश्मे से देख रहे हैं कि हमको सड़कों के ऊपर खड्डे नजर आ रहे हैं, हमको कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है, हमको पानी दिख रहा है तो वो भी गंदा पानी नजर आ रहा है। तो आपका